हेलो व्हाट्स अप गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। सो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आर्ट्स फतेह। आज की इस वीडियो में मैं गुरु रंधावा की ड्राइंग करके दिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी शीट को सेलो टेप से कवर कर लो, ताकि हमारी शीट वर्क करते समय हिले ना। और वर्क करते समय सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी चीज़ें जो यूज़ होंगी वो अपने पास रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही फ्री हैंड वर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको मैं बताऊँ कि आप ड्रॉ करने के बाद जो आउटलाइन है उनको इरेजर से इरेज कर दें, हल्की हल्की कर दें। जैसा कि हेयर्स के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हेयर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 4B या फिर 2B पेंसिल की एक लेयर दो। लेयर देने के बाद फिर उसको एक बार ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करने के बाद कोई भी 5B 6B पेंसिल से हेयर्स की डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करो। हेयर्स को ड्रॉ करने के बाद फिर एक बार और ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद इरेजर से जहाँ लाइट गिर रही है, जहाँ हाईलाइट है, वहाँ हेयर्स की हाईलाइट दो। हेयर्स के हाईलाइट देने के बाद फिर एक बार मैकेनिकल पेंसिल से हेयर्स के डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करो, जिससे कि आपके हेयर्स रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे ईयर में और आइज़ में शेडिंग की है। आप भी ऐसे शेडिंग कर पाओगे प्रैक्टिस के साथ साथ। तो प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। तो ब्लेंडिंग टूल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प्स और टिशू पेपर। टिशू पेपर से भी अच्छी होती है, आप टिशू पेपर का एक बार यूज़ करके देखो। और अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसी होती है। सो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने नोज़ में कैसे शेडिंग की है। आप भी ऐसे रियलिस्टिक शेड दे पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते रहो। मुस्टैच और बियर्ड में भी सेम वही रूल फॉलो करना है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कोई भी आप पार्ट ड्रॉ कर रहे हो, जैसे आइज़, नोज़, ईयर है, जो भी है, तो सबसे पहले 2B पेंसिल की एक लेयर देनी है, एक शेड देना है। शेड देने के बाद उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जहाँ हाईलाइट का एरिया है वहाँ हाईलाइट कर देनी है, इरेजर से एक बार हाईलाइट करनी है। और जहाँ डार्कनेस है वहाँ डार्क पेंसिल का यूज़ करके एक बार ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे लिप्स में भी वही रूल फॉलो करके शेड दिया है, जिस वजह से हमारी लिप्स इतना अच्छा रियलिस्टिक लुक दे पा रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो उसके बाद हमको स्किन का सबसे पहले स्किन कर लेनी है। स्किन को अच्छे से ब्लेंड करना है टिश्यू पेपर से, और जहाँ डार्कनेस है वहाँ डार्कनेस करनी है, जहाँ हाईलाइट है वहाँ हाईलाइट का स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद हमको मैकेनिकल कोई भी मैकेनिकल पेंसिल से एक बार जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया था, जहाँ जैसे कि आइज़, नोज़, जो भी है, उसको एक बार अच्छे से आउटलाइन करनी है। आउटलाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे बियर्ड्स में कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करनी है। जहाँ हेयर्स की डायरेक्शन जा रही है वहाँ हमको हेयर्स की डायरेक्शन में ही मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके हेयर्स को ड्रॉ करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे छोटे छोटे से हेयर्स जो भी हैं इनको मैं कैसे रियलिस्टिक लुक दे पा रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। जैसा कि जो भी है आपके फ़ोटो में जैसे भी हेयर्स आ रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करने हैं। हेयर्स ड्रॉ करने के बाद जहाँ भी मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे ईयर में जहाँ हाईलाइट है वहाँ हाईलाइट का स्पेस छोड़ रहा हूँ, जहाँ डार्कनेस है वहाँ मैकेनिकल पेंसिल से ही डार्कनेस कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे डार्कनेस में मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। क्लोथ में भी सेम वही रूल फॉलो करना है। 10B पेंसिल से जहाँ डार्कनेस है वहाँ डार्क करना है, और जहाँ हाईलाइट है वहाँ 6B और 8B पेंसिल का यूज़ करना है। फिर उसको एक बार ब्लेंड करना है। ब्लेंड आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर अच्छा ब्लेंड करता है। क्लोथ में आप टिश्यू पेपर का ही यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिग एरिया में आपको टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए। ब्लेंडिंग स्टम्प्स का आइज़, नोज़, ईयर्स, लिप्स वगैरह में करना चाहिए यूज़। कि आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे रियलिस्टिक ड्रॉ किया है, वैसा ही आप कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। अब मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको लाइट शेड देना है 2B पेंसिल से, HB पेंसिल से।
फिर एक बार जहाँ आपको डार्कनेस दिखाना है वहाँ डार्क आपको 8 भी पेंसिल का यूज़ कर लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कैसे ब्लर कर रहा हूँ, ब्लर में आप इरेजर से राउंड राउंड घुमा के उसको ब्लर कर सकते हैं। तो स्केच कंप्लीट करने के बाद आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, मैं कोई भी मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ हाईलाइट है वहाँ हाईलाइट इरेजर से करनी है। आप नेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वर्क कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइस लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसको शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप कोई स्केच बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉल करें। तो वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगा, अगर आप कोई बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।